नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त हम हाजिर हैं आपके सामने एक बड़ी खबर बताने के लिए। पप्पू यादव को लेकर महागठबंधन में भारी फूट होती दिख रही है। जी हां, आपको पता है कि पप्पू यादव को जब पटना से पुलिस ले गई तो मधेपुरा में 11 बजे रात को कोर्ट खुलवाया गया, उसके बाद सुपौल के वीरपुर में जेल में ले जाया गया। अब उसके बाद कई तरह की खबरें निकल कर आई, कई तरह के समर्थन भी पप्पू यादव को मिले, और राजद की तरफ से यह भी कहा गया कि पप्पू यादव जदयू और बीजेपी के एजेंट हैं। अब महागठबंधन का घटक दल सीपीआईएमएल यानी कि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है कि देश बेचू आदमखोर मोदी शाह गद्दी छोड़, बिहार के नकारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करो, राजीव प्रताप रूढ़ी को गिरफ्तार करो, पप्पू यादव को रिहा करो। एक बार फिर से सुनिए, ये हैं दीपांकर भट्टाचार्य जो महागठबंधन का अहम घटक दल सीपीआईएमएल के महासचिव हैं। इन्होंने लिखा है कि पप्पू यादव को रिहा करो, सबके लिए टीका, सबके लिए इलाज, सबके लिए भोजन, सबके लिए स्वास्थ्य। माले के आह्वान पर पूरे बिहार में प्रतिवाद दिवस की आज घोषणा की गई है दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल के महासचिव, महागठबंधन का अहम हिस्सा, इन्होंने पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की है। जिसके बाद एक और ट्वीट देखिए, रिप्लाई देखिए, पप्पू यादव ने खुद किया है ट्विटर पर और आभार व्यक्त किया है। महागठबंधन का हिस्सा है सीपीआईएमएल। अब महागठबंधन में राजद को आप सुन चुके हैं, राजद की उदासीनता को देख चुके हैं, लगातार तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठे हैं, लगातार राजद खेमे पर सवाल उठे हैं पप्पू यादव के मसले पर। अब ऐसे में जहां राजद उदासीन बना हुआ है, राजद की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि जदयू और बीजेपी के एजेंट है पप्पू यादव, तो वहीं अब पप्पू यादव की रिहाई की मांग करने उतर गए हैं सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। आपको यह भी बता दें कि बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो है सीपीआईएमएल भाकपा माले, और उसी के महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य जो अब पप्पू यादव के रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो अलग सुर देखने को मिल रहा है महागठबंधन में, राजद का भी और सीपीआईएमएल का भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बताना इसलिए चाहते हैं क्योंकि महागठबंधन का वही घटक दल राजद जो पप्पू यादव के मसले पर चुप रहा है, लेकिन अब सीपीआईएमएल ने साफ कह दिया है कि पप्पू यादव को रिहा करो। अब देखने वाली बात यह होती है कि यह जो खबर निकलकर सामने आई है वो कहां तक जाती है, क्योंकि पप्पू यादव ने भी अब इस पर रिप्लाई कर दिया है। दीपांकर भट्टाचार्य के ट्वीट पर जवाब देते हुए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। महागठबंधन में बड़ी फूट इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ राजद का रुख पप्पू यादव को लेकर अलग है, तो वहीं अब उनके मसले पर सीपीआईएमएल ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, सरकार पर निशाना साधा है और पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग भी कर दी है। अब देखने वाली बात यह होती है कि बिहार में महागठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं वो किस प्रकार के बयान देते हैं, क्योंकि राजद लगातार राजद पर सवाल उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव का समर्थन मंत्रियों ने भी किया, बिहार के विधायकों ने भी किया, लेकिन राजद की तरफ से चुप्पी साधी गई और यही चुप्पी सवालों को जन्म देने लगी। और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जब बिहार में महागठबंधन के घटक दल सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ट्वीट कर पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, महागठबंधन में महाफूट, महागठबंधन में महादरार पप्पू यादव को लेकर। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।